श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे पैरों का सौत के घरेलू उपचार जिसे पेरिमिया ऑफ फीट कहते हैं। पैरों का सौत रोग में उत्तकों में असामान्य मात्रा में जल एकत्रित होने लगते हैं जिसे पैर सौत युक्त हो जाते हैं। सौत अक्सर टखने, पैर और टांगों की जगह पर आता है। सौत के जो प्रमुख कारण है मैं आपको बताता हूं। अधिक समय तक खड़े रहना, आतरव काल मतलब मासिक धर्म उस वक्त, हार्मोन स्तर में तब्दीली होना, प्रेगनेंसी के टाइम पे गर्भकाल में मोटापे की वजह से वृद्धावस्था में और चोट लगने पे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि नमक का उपयोग आप बंद कर दें। नमक सेवन करते रहने से हालात ज्यादा बिगड़ जाएंगे। सरसों के तेल से मालिश करें, इससे लाभ होता है। नित पकाए हुए चावल खाना चाहिए। सूजन की जगह ककड़ी की चीरे रखें और उसके ऊपर आलू और चीरे रखकर पट्टी बांधें। ये एक बहुत बढ़िया उपचार है। भोजन में प्रोटीन की प्रधानता रखनी चाहिए। दालों का भरपूर उपयोग करें। वसा युक्त भोजन पदार्थ भी उपयोग करना हितकर है। कार्बोहाइड्रेट प्रधानता वाले पदार्थों में पानी एकत्रित करने के गुण होते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थों का उपयोग न्यूनतम करें। गर्भवती स्त्री के पैरों में सूजन होने पर पत्ता गोभी के पत्ते लगाकर पट्टी बांधना हितकर है। सोने से पहले पैरों पर ठंडे पानी की धार लगाना बहुत लाभप्रद होता है। ऋषि वाले पदार्थ भी सूजन बढ़ाने में सहायक होते हैं। हरी सब्जियां और फलों का उपयोग कम कर देना चाहिए। धूम्रपान और शराब सेवन से सौत रोग उत्पन्न हो जाता है, अतः ये जो पदार्थ है उसे आप त्याग दीजिए। सूत्र प्रेरण अपने पैरों को शरीर से ऊंचा रखें। पांव के नीचे तकिया रखना उपयोगी है। ये अगर आपका पांव है तो उसको थोड़ा सा यूं रखें, तकिया नीचे रख देंगे तो ऑटोमेटिक ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। धनिया के बीज 3 से 4 चम्मच 2 कप पानी में तब तक उबालें जब तक ये आधा रह जाए, रोजाना पिए। बहुत लाभदायक उपचार है, आप इसको आजमा सकते हैं। अधिक मात्रा में पानी पीने से भी परहेज करना चाहिए। ज्यादा पानी पीने से सूजन ज्यादा बढ़ जाती है। सौत अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि संकेत देता है कि हमारे शरीर के सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ ही दिनों में नियंत्रण नहीं होने पर कुशल चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। गुर्दे और हृदय की गंभीर बीमारियों से भी शरीर में सूजन आने लगता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में पुनर्वासव का उपयोग लाभप्रद माना गया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।